हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश की माइलस्टोन की बुक का चैप्टर द सिग्नल का पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट अस गो टू द वीडियो। ओके गाइस, तो चैप्टर जो है हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया था, तो चैप्टर को आज हम हाउ एवर से शुरू करते हैं। हाउ एवर आफ्टर अनदर मंथ और सो दे बिकेम एक्वाइंटेड। देखिए, जो सीमन है, क्योंकि उसका जो पड़ोसी होता है, आपस में उनकी बातें होती हैं, तो अगले महीने आने तक जो है आपस में वे थोड़े फैमिलियर हो जाते हैं, एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, एक दूसरे से उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। सीमन वुड गो विद वेजली अलोंग द लाइन स्मोक एंड टॉक ऑफ लाइफ। अब जो सीमन है वो वेजली के साथ, वेजली जो उसका पड़ोसी था उसके साथ लाइन के साथ साथ जाता है। वो जो है स्मोक करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं और लाइफ के बारे में बातें करती हैं। वेजली फॉर द मोस्ट पार्ट केप्ट साइलेंट, बट सीमन टॉक्ड ऑफ हिज विलेज एंड ऑफ द कैंपेन थ्रू व्हिच ही हैड पास्ड। अब पूरा टाइम ज़्यादातर जो वेजली होता है वो चुप ही रहता है, और जो सीमन है वो बहुत सारी बातें करता है अपने गांव के बारे में, जिस कैंपेन में वो था उसके बारे में। टाइम जो पास हो गया है, जो बीत गया है, उसके बारे में वो बहुत सारी बातें करता है। आई हैव हैड नो लिटिल सोरो इन माई डे, ही वुड से। अब सीमन है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं आए, दुख तो मेरी ज़िंदगी में बहुत आए हैं। गॉड हैज़ नॉट गिवन मी हैप्पीनेस, भगवान ने मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं दी, बट इट इज़ ऑल गॉड्स विल, और ये सारी जो है भगवान की ही इच्छा थी। एंड परहैप्स सैड वेजली, और शायद, अब वेजली कहता है और शायद इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू, शायद ये मेरे लिए एक तरह से टाइम की वेस्टेज है कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। टू पुट एवरीथिंग अनप्लीजेंट ऑन गॉड, जितनी भी अनप्लीजेंट घटनाएँ हमारे जीवन में हुई हैं उस सबको भगवान के ऊपर थोप देना। एंड सिट एंड सफ़र, अगर हम सफ़र कर रही हैं, हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो इस सब का जो है भगवान को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। एंड ही टर्न एंड वेंट ऑफ विदाउट सेइंग गुड बाय, वो मुड़ा और कुछ भी कहे बिना, गुड बाय कहे बिना वो चला जाता है। सीमन ऑल्सो गॉट अप, सीमन भी खड़ा हो जाता है। नेबर, पड़ोसी, ही कॉल्ड, वो बुलाता है। व्हाई डू यू लूज योर टेम्पर, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो। बट हिज नेबर डिड नॉट लुक राउंड, लेकिन उसका जो नेबर है वो एक बार भी मुड़ के नहीं देखता। एंड कैप्ट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते से सीधा चलते रहता है। हाउ एवर दे डिड नॉट क्वारल, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है लड़ाई नहीं की। दे मेट अगेन, वो दोबारा मिले। एंड डिस्कस द सेम टॉपिक्स, और सेम टॉपिक्स पे उन्होंने फिर से बातें की। वट सॉर्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ लाइफ डू वी हैव हियर, यहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी जो है हम जी रहे हैं। वी आर पुअर मैन इन हार्ट, हम गरीब आदमी हैं जो कि एक झोपड़ी में रहते हैं। वट पे डू वी गेट, और कितनी पे जो है हम प्राप्त कर रहे हैं। आस्क्ड वेजली, तो वेजली जो है ये सारी बातें किससे पूछता है, सीमन से। तो सीमन कहता है नोट बस वेजली 12 रूबल्स, ज़्यादा तो नहीं वेजली, केवल जो है 12 रूबल। एंड आई 13.5 रूबल्स, और मेरे को मिलते हैं सिर्फ 13.5 रूबल्स। वाई, क्यों? बाय द रेगुलेशंस द कंपनी शुड गिव अस 15 रूबल्स अ मंथ। अब अगर रेगुलेशन की बात करें तो कंपनी को हमें 15 जो है रूबल देने चाहिए महीने में। हु डिसाइड्स दैट यू शुड हैव 12 रूबल्स और आई 13.5? किसने डिसाइड किया कि तुम्हें जो है 12 मिलेंगे और मेरे को 13.5 मिलेंगे? आस्क योर सेल्फ, कभी खुद से पूछ के देखो। यू अंडरस्टैंड, तुम समझोगे। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 1.5 रूबल्स और 3 रूबल्स, तो तुम समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 12 या फिर हाफ रूबल्स का नहीं है। इवन इफ दे पेड अस द होल 15 रूबल्स, आई शैल नॉट स्टे हियर लॉन्ग। अगर वो हमें 15 रूबल पूरा देते भी हैं तो भी मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ। आई शैल गो समवेयर, मैं कहीं और चला जाऊँगा। एनी वेयर फॉलो माई नॉज, कहीं भी जहाँ पे जो है मेरा दिमाग कहेगा या फिर अपनी नाक की सीध में मैं चलता ही जाऊँगा। फॉलो माई नोज का मतलब ये होता है टेक एक्शन ऑन वंस इंस्टिंक्ट, मतलब हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग एक्शन को लेते हैं हम, या फिर सीधे चले ही जाते हैं, उस चीज़ को फॉलो माई नोज कहते हैं। तो
बट वेयर विल यू गो? वेजली. लेकिन वेजली तुम कहाँ पे जाओगे? हियर यू हैव अ हाउस, अ वॉर्म्थ, अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, योर वाइफ इज अ वर्कर. तो वो कहता है कि यहाँ पे जो है तुम जाओगे कहाँ पे? देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक घर है बिल्कुल गर्म, और जो है एक धरती का टुकड़ा भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी वाइफ भी यहाँ पे काम कर रही है. लैंड, यू शुड लुक एट माई पीस ऑफ लैंड. अब जो है वेजली कहता है कि धरती, तुम्हें मेरे धरती के टुकड़े को देखना चाहिए. नॉट अ ट्विग ऑन इट, इसके ऊपर एक घास का जो है तिनका भी नहीं उगा है. नथिंग, कुछ भी नहीं. आई प्लांटेड सम कैबेजेस इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के सीजन में मैंने कुछ गोभियाँ यहाँ पे बोई थी, जस्ट व्हेन द इंस्पेक्टर केम अलोंग. और तभी इंस्पेक्टर यहाँ पे आता है, ही सैड, और वो कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है? Why have you not reported this? तुमने इसके बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं किया है? फिर क्यों नहीं बताया? Why have you done this without permission? बिना परमिशन के तुमने ये कैसे किया? Dig them up, roots and all. इन सबको, जड़ वगैरह को यहाँ पे उखाड़ फेंको, उखाड़ के इनको दूर फेंक दो यहाँ से. You are hot tempered. तुम बहुत ही hot tempered हो. Hot tempered का मतलब होता है थोड़ा गुस्सैल होना, जल्दी चिढ़ने वाला व्यक्ति. नो आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड, नहीं मैं हॉट टेम्पर्ड नहीं हूँ. बट आई टेल यू द ट्रूथ, लेकिन मैंने तुम्हें सत्य बताया है. आई विल कंप्लेन टू द चीफ, मैं चीफ से कंप्लेन करूँगा इस बारे में. वी विल सी देन, और तब हम देखेंगे. द चीफ केम टू इंस्पेक्ट द लाइन वन डे. अब जो चीफ है वो किसी न किसी दिन, एक दिन जो है लाइन को इंस्पेक्ट करने के लिए आएगा. थ्री डेज लेटर इम्पोर्टेंट पर्सनेजेस आर कमिंग फ्रॉम एसटी पीटर्सबर्ग एंड वुड पास ओवर द लाइन. अब देखिए, तीन दिन के बाद जो है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनेजेस का मतलब ये होता है कि चीफ के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो है व्यक्ति आने वाले थे, जो कि एसटी पीटर्सबर्ग से आ रहे थे. क्या करने के लिए? लाइन को इंस्पेक्ट करने के लिए. इट वाज नेसेसरी टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, और ये बहुत ज़रूरी था हर चीज़ को बिल्कुल सही से रखना, एक तरह से जिस वस्तु को जहाँ पे होना चाहिए उसको वहाँ पे रखना, हर चीज़ को ऑर्डर में रखना बहुत ज़रूरी था. द बेड वॉज लेवल्ड, जो बेड है उसको लेवल्ड किया गया. द स्लीपर्स केयरफुली एग्जामिन, जो स्लीपर्स हैं उनको बड़ी अच्छे से एग्जामिन किया गया. स्पाइक्स ड्राइवन इन अ बिट, नॉट स्क्रूड अप, पोस्ट पेंटेड एंड ऑर्डर गिवन बाय फॉर येलो सैंड बी स्प्रिंकलर स्प्रिंकल्ड एट द लेवल क्रॉसिंग. अब देखिए, जो भी रेत के ऊपर जो लेवल क्रॉसिंग होती है उसके ऊपर जो निशान वगैरह होते हैं उन सबको बनाना, जो पोस्ट हैं उनको पेंट किया गया, नट्स वगैरह से जो भी नट वगैरह ढीले हुए होते हैं उनको टाइट किया गया एक तरह से, ये सारे काम जो है उन्होंने वो किए जाने थे. सीमन एंड वेजली वर्कड हार्ड फॉर अ वॉल वीक. पूरा हफ्ता जो है सीमन और वेजली ने क्या किया, काम किया, एक तरह से हार्ड वर्क उन्होंने किया इस सब के ऊपर. द चीफ अराइव्ड ऑन अ ट्रॉली. अब जो चीफ है वो एक ट्रॉली में आता है. फोर मैन वर्किंग द हैंडल्स. अब जो चार आदमी थे वो हैंडल को संभाल रहे थे. एंड द लेवर्स मेकिंग द सिक्स व्हील हम. इट रीच सीमन्स हट. अब ये जो ट्रॉली है वो सीमन की हट के पास आती है. एंड ही रन आउट एंड रिपोर्टेड इन सोल्जरली फैशन. वो जल्दी से बाहर आता है भाग के, और सोल्जरली फैशन में एकदम, क्योंकि वो सोल्जर रहा है तो उसी तरह से, उसी तरीके से वो जो है एक तरह से सल्यूट करता है. Have you been here long? Inquired the chief. अब जो चीफ है वो कहता है, क्या तुम यहाँ पे बहुत लंबे समय से हो? Since the 2nd of May, Your Excellency. अब जो सीमन है वो कहता है कि मैं 2nd मई से यहाँ पे हूँ. All right, and who is at hut number 164? अच्छा, ये बताओ कि हट नंबर जो 164 है उसमें कौन रहता है? The traffic inspector who was traveling with the chief replied, Wesley Stepney. अब जो traffic inspector होता है वो बड़ी जल्दी से जवाब देता है कि उस, वो जो है Wesley Stepney है. Stepney, is he the man against whom who made a note last year? Stepney, क्या ये वही आदमी है जिसने पिछली साल एक नोट लिखा था, एक तरह से उसने कंप्लेंट की थी? His replied the inspector. अब जो इंस्पेक्टर है वो रिप्लाई करता है, हाँ हाँ वही है. Well, we will see Wesley Stepney, go on. तो हम Wesley Stepney को देखेंगे, तो चलो चलते हैं. अब देखिए, जो चीफ और जो दूसरे लोग उसके साथ आए थे, तो चीफ जो है इंक्वायरी करते हैं और वो पूछते हैं 164 हट में कौन रहता है. तो उसके साथ आया जो इंस्पेक्टर होता है वो फट से जवाब देता है कि वो तो वेजली है. और जो है वो उसके बाद कहते हैं कि हम वेजली से मिलने जाएंगे. सीमन वॉच्ड देम गो. सीमन उनको जाते हुए देख रहा था एंड थॉट, और सोच रहा था, देयर विल बी ट्रबल बिटवीन देम एंड माई नेबर. मेरे पड़ोसी और इनके बीच में कुछ ना कुछ जरूरी परेशानी होने वाली है, दिक्कत होने वाली है. क्योंकि सीमन को पता था कि उसका जो दोस्त है वो थोड़ा हॉट टेम्पर्ड है,
और हो सकता है कि उनके बीच कोई लड़ाई हो जाए, इस तरह की संभावनाएं जो हैं, इस तरह की विचार जो हैं किसके मन में आ रही थी, सीमन के मन में। अबाउट 2 आवर्स लेटर ही स्टार्टेड ऑन हिज राउंड। अब 2 घंटे के बाद जो है सीमन अपने राउंड पे जाता है। ही सॉ समवन कमिंग अलोंग द लाइन, और वो देखता है कि कोई लाइन के साथ साथ आ रहा है। इट वॉज वेजली, ये वेजली था। ही हैड स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्टिक थी, एक लकड़ी थी। अ स्मॉल बंडल ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे जो है एक छोटा सा बंडल था। एंड चीक वॉज बाउंड अप इन अ हैंडकरचीफ, और उसका जो एक तरह से मुँह था वो एक रुमाल से बंधा हुआ था। वे आर यू ऑफ टू, तुम कहाँ जा रहे हो, क्राइड सीमन, सीमन चिल्लाया। वेजली केम क्वाइट क्लॉज, अब जो वेजली है बिल्कुल चुपचाप उसके बिल्कुल पास आ जाता है। ही वॉज वेरी पेल, वो बहुत पीला पड़ा हुआ था, वाइट एज चोक। पेल मतलब यहाँ पे है कि थोड़ा कमज़ोर दिखना, और उसका मुंह जो है वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था। एंड हिज आईज हैड अ वाइल्ड लुक, और उसकी आंखों में बड़ा ही एक तरह से जंगली लुक था। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। ऑलमोस्ट चोकिंग ही मटर्ड, सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो बुड़बुड़ाया। टू टाउन, मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, टू टाउन, टाउन में, टू मॉस्को, मॉस्को, टू द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस, आह यू आर गोइंग टू कंप्लेन, तो तुम कंप्लेन करने के लिए जा रहे हो। आई सपोज, मैंने ऐसा सोचा, गिव इट अप, इसको छोड़ दो, ये सब भूल जाओ। वेजली स्टेपनी, फॉरगेट इट, वेजली स्टेपनी, ये सब भूल जाओ। नो मेट, नहीं दोस्त, आई विल नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगा। ही स्टक मी इन द फेस, उसने मुझे चेहरे पर मारा है, ड्यू ब्लड, जिससे ब्लड तक मेरा निकल गया। सो लॉन्ग एज आई लीव आई विल नॉट फॉरगेट, तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक नहीं भूलूंगा। आई विल नॉट लीव इट लाइक दिस, मैं इसको, इस बात को इस तरह से नहीं जाने दूंगा। सीमन लुक एट हिज हैंड, सुमन उसके सीमन जो है उसके हाथों को देखता है। गिव इट अप, गिव इट अप स्टेपनी, यू विल नॉट बेटर थिंग्स, अब जो है सीमन कहता है कि स्टेपनी ये सब भूल जाओ, ये सब को छोड़ दो, तुम चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते हो। बेटर थिंग्स, बेहतर चीज़ें, आई नो आई शेड नॉट बींग बेटर थिंग्स, मैं जानता हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ चीज़ों को बेहतर। बट वन मस्ट स्टैंड अप फॉर वंस राइट, लेकिन किसी को भी अपने अधिकार के लिए खड़े होना ज़रूरी होता है। बट टेल मी हाउ डिड इट हैपन, तो वेजली कहता है लेकिन मुझे बताओ तो हुआ क्या। How he examined everything, got down from the trolley and looked into the hut. अब जो है वेजली है सीमन को बता रहा है कि किस तरह से क्या हुआ। तो वो कहता है कि कैसे उसने पूरा जो है हर चीज़ का परीक्षण उसने किया। वो ट्रॉली से नीचे उतरा, वो मेरी हट के अंदर आया, और हट के अंदर आने के बाद उसने हर चीज़ को देखा। आई न्यू बिफोर हैंड दैट ही वुड बी स्ट्रिक्ट, और मुझे पहले से ही पता है कि वो थोड़ा सख्त होगा। एंड सो आई हैड पुट एवरीथिंग इनटू प्रॉपर ऑर्डर, इसीलिए मैंने हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में रखा। ही वो जस्ट गोइंग व्हेन आई मेड माय कंप्लेंट, जब वो जाने ही वाला था तो मैंने अपनी शिकायत उसके सामने रखी। ही इमिडिएटली क्राइड आउट, वो बहुत ज़ोर से उसी टाइम चिल्लाया, हियर इज़ अ गवर्नमेंट इंक्वायरी कमिंग, एंड यू मेक अ कंप्लेंट अबाउट अ वेजिटेबल गार्डन, हम लोग जो हैं गवर्नमेंट इंक्वायरी के लिए यहाँ पे आए हैं, और तुम कंप्लेंट और तुम एक शिकायत कर रहे हो वो भी वेजिटेबल गार्डन के बारे में। एंड यू एनोय विद मी, एंड यू एनोय मी विद कैबेज, आई लॉस्ट पेशेंस एंड सेड समथिंग, और तुम हमारे सामने जो है कैबेजेस के बारे में बातें कर रहे हो, तो तब मैंने अपना धैर्य खो दिया और मैंने कुछ उसको कह दिया। एंड इट ऑफेंडेड हिम, और इससे वो नाराज़ हो गया। एंड ही स्टक मी इन द फेस, गुड बाय इवानोव, और इसलिए उसने मेरे चेहरे पे मुझे मारा, और इसीलिए वो उसको कहता है कि गुड बाय इवानोव, कि सीमन इवानोव गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। Surely you are not going to walk. हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुम घूमने के लिए तो नहीं जा रहे हो। At the station I will try to get on a freight train. Station पर मैं एक freight train में चढ़ूंगा। Freight train का मतलब होता है ऐसी train जिसमें goods को जो है, या फिर भारी भरकम जो चीज़ें होती हैं उनका transport किया जाता है। मतलब उसमें एक तरह से व्यक्ति या फिर कोई आदमी नहीं होता। And tomorrow I shall be in Moscow. और कल मैं मॉस्को में होऊंगा, said Wesley and left. Wesley ने ऐसा कहा और वो वहाँ से चला गया। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो का थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।